नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत है। पिलामाने आज जो क्लास रहो आपण मानकर ओएसपीसी टीएनई इलेक्ट्रिकल सीबीटी एग्जाम रो आपण मानकर जो सिलेबस इज क्लासेस चलची सेतिर क्लास नंबर 23 आज हम डिस्कशन रे पिलामाने या पूर्व रो हमर क्लास 22 क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हे सारची 21 नंबर 22 नंबर क्लास आपण करथुला को कहा ऊपर इलेक्ट्रिकल आउ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट ऊपर तेन करी अधिकार से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आउ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट रो जो इक्विपमेंट विषय हमें पढ़ीले तार एमसीक्यूज ए क्लास रे आलोचना करबा। ठीक अछि पिलामाने आपण 81 वैकेंसी निश्चित भाव आपको निश्चित गोटे पोस्ट मिलिबो ही मिलिबो। आपण माने मॉक टेस्ट को जारी रखंतु तापर टेस्ट सीरीज आमे नै के आसीबा क्लासेस रो पीडीएफ एमसीक्यू पीडीएफ को फॉलो करंतु निश्चित आपण समस्त जिंस इजीली सॉल्व हो जाइबो। आगु बढ़िया देखिबा आपण मानकर जेमती का मु कहि रखली आपण मानकर जोटा कि 10 नंबर क्लास रो आपण थ्योरी क्लासेस होय छै तो आज के क्लासेस रे आमे रखिछु एमसीक्यूज ओनली एमसीक्यूज डिस्कशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी आसाला ताक मध्य डिस्कशन ए वीडियो मध्ये करबा। आगु बढ़िया प्रथम क्वेश्चन आपको पचला पिला माने होइतो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम द जीरो पोजीशन इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एक मुझे कही रखी क्वेश्चन प्रथम आपको अच्छी ऑप्टिशियल क्वेश्चन में आसाला एपको पचारा जो प्रकार फोर्स आम जोटा कि आपर एनालॉग जोटा कि इंस्ट्रूमेंट होगा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जोटा कि सब पॉइंटर थाए पॉइंटर को मूव करने आपर कौ प्रकार फोर्स एप्लाई होता है आम कौ प्रकार फोर्स कही था डिफ्लेक्टिंग फोर्स दिस इज योर आंसर बी आपको उत्तर हो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। प्रश्न बढ़ी जा फोर्स इज व्हिच इज द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ ग्राविटी कंट्रोल आपला जिते बड़े आप गोटे इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करोटे ग्राविटी कंट्रोल प्रोवाइड होता है कौ प्रकार पोजीशन होता आप वर्टिकल पोजीशन हो पाने उत्तर वर्टिकल पोजीशन दैट इज प्रोवाइडेड विथ ग्राविटी कंट्रोल दैट मीन योर आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जाए परवर्त क्वेश्चन देखिए पाने क्वेश्चन व्हिच एरर इज कॉज्ड बाय द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट रीडिंग तो एथिरे कहला कौ प्रकार एरर आपर होता कह इंस्ट्रूमेंटा हूँ इनकरेक्ट पोजीशन रीडिंग दबो सेटा को आम डिवाइस एरर कहवा जब ह्यूमन करुच्छे ह्यूमन एरर ठीक है जो डिवाइस एरर करुच्छे दैट इज डिवाइस एरर मन कहीगले पे होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते पर क्वेश्चन देखा व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज मेजर 1 ओम एंड बिलो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली आप कही रखा पाने गोटे इंस्ट्रूमेंट आम व्यवहार करते जोटा कि मेजर कर 1 ओम किंबा ताठु 1 ओम रु कम वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर दैट इज ए ओम कौ टाइप रो ओमीटर हो सन टाइप ओमीटर दैट इज आप उत्तर मन रखे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सी हो उत्तर सन टाइप ओमीटर ठीक है पाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जाए परवर्त क्वेश्चन था व्हाट इज द पर्पज ऑफ थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड इन एडवांस मेगा ओम मीटर मेगा ओम मीटर आप थर्ड टर्मिनल प्रोवाइड करते हैं एडवांस मेगा ओम मीटर तार पर्पज कौन तार उद्देश्य कौन से कथा पचारा सीते तेणु आपको उत्तर एथे कौन हो सी कौन कहना एक्यूरेट रीडिंग दब विदाउट ऑसिलेशन कौन सी प्रकार ऑसिलेशन बिना ऑसिलेशन से एक्यूरेट रीडिंग दब दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग थर्ड टर्मिनल और थर्ड टर्मिनल प्रोवाइडेड होता है कौन एडवांस मेगा ओम मीटर बुझीपाल पे मैंने उत्तर आपला परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देला व्हाट इज द रीजन फॉर मूव द मूविंग कॉइल मीटर हैविंग यूनिफॉर्म स्केल आपको कहला आप कौन रीजन हो पारे जो मूविंग कॉइल मीटर टा यूनिफॉर्म स्केल मूविंग कर पाने मूविंग कॉइल मीटर रे आपको यूनिफॉर्म स्केल रही था तार रीजन कौन तार कारण कौन कहीं आम आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जोटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या करेंट सहित तेणु आप उत्तर हो रिफ्लेक्टिंग टर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जाए पाने परवर्त क्वेश्चन देखियो परवर्त क्वेश्चन देला व्हिच एरर इफ द एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग कंटिन्यूअसली ऑन नो लोड बढ़िया कथा पचारा बढ़िया क्वेश्चन पचारा पाने ये कह रखा रोटेटिंग करुच्ची आपर किसी भी लोड ना आप एनर्जी मीटर बट आपको डिस्कटा रोटेट कर होम आप घर जो एनर्जी मीटर लगी था निश्चित देखी थे किसी भी सब घर लाइट फाइट सब बंद कर दिंतु तापर भी नो लोड कंडीशन में भी एनर्जी मीटर जोटा कि डिस्कटा रोटेटिंग करता है कौ प्रकार एरर कहुता है क्रिपिंग एरर कही था पाने क्रिपिंग एरर डी जो उत्तर परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन आप व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिटी इफ इट्स सेकेंडरी इज केप्ट ओपन आपको कहला आपर जो सिटी टा हूँ सेकेंडरी हूँ ओपन कंडीशन में रही है आपको इफेक्टा कौन आसो तार इफेक्ट आसो आप वाइंडिंग टा बर्न आउट हो वाइंडिंग जली जो पे सिटी सेकेंडरी वाइंडिंग्स जली जो उत्तर आपको डी ही जीवो परवर्त क्वेश्चन देखिए व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक द कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आपको कही रखा आपने कौ प्रकार मटेरियल व्यवहार करती जो कंट्रोल स्प्रिंग तैयारी कर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रो कंट्रोल स्प्रिंग तैयारी है तार कौ मटेरियल आम व्यवहार करता है आम व्यवहार करता हूँ फास्फोरस ब्रोंज मन रखे डी जो उत्तर फास्फोरस ब्रोंज परवर्त क्वेश्चन जी परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी
which electrical effect that the single phase energy meter works apanga kahila ko prakar electrical effect single phase energy meter re work karta hai seta ko prakar effect koi thai jeta single phase energy meter work karta hai jo effect ta ta ko ame kon koi thau induction effect mane kitibe b hi jo uttar induction effect parvati question jiba eti koi kala je which is the position to use the instrument provided with spring control apanga jo instrument re spring control provided hita tar position ta ame ko prakar position no byabhar kartau ताको वर्टिकल पोजीशन रे व्यवहार करते पिला माने आपको उत्तर बी हे जीवो आपनको हॉरिजॉन्टल पोजीशन इंक्लाइंड रे भी व्यवहार हेते किंतु जोटा की रिलायबल रहिते सेटा होसी वर्टिकल पोजीशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परत क्वेश्चन देला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपन मनको कहले कि लाठी जे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रो कोटा उठे एग्जांपल हे जीवो सेटा आपनको कोन हे जीवो कोटा आपन कहि जीवो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ता हो आपन मनको जे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रो एग्जांपल कोन हे जीवो टैंजेंट गाल्वानोमीटर जैसे प्रथम थ्योरी क्लास में पढ़े थे पे टैंजेंट गाल्वानोमीटर विषय तो सेटा हो इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रोटे उदाहरण क्वेश्चन देखा हाउ द क्रिपिंग एरर इज कंट्रोल इन एनर्जी मीटर एवं पढ़ी क्रिपिंग एरर विषय तो क्रिपिंग एरर कमी होता है नो लोड कंडीशन जब आपको एनर्जी मीटर डिस्क रोटेटिंग करते कौन क्रिपिंग एरर जब क्रिपिंग एरर आसी कमी कंट्रोल करवा क्रिपिंग एरर को कंट्रोल करने कौन कर दीटा ड्रिल करवा दीटा ड्रिल जोटा कि होल ड्रिल करवा जोटा कि अपोजिट ऑन द डिस्क डायमेट्रिकली आप डायगोनाली आप दीटा ड्रिल होल करूँ और जोटा कि आप डिस्क अपोजिटे आप कंट्रोल करेंगे क्या क्रिपिंग एरर को दैट मीन योर आंसर इज डी आप बाय ड्रिलिंग टू होल्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन देखिए पे कौन अच्छी परवर्ती क्वेश्चन आसला व्हिच सोर्स ऑफ मैजिंग एरर इज कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बढ़िया कथा पचारा जे को प्रकार सोर्स मेजरिंग एरर ठीक है पे को प्रकार सोर्स मेजरिंग एरर कॉज करता है जो आप मैग्नेटिक फील्ड जो आप जो इफेक्ट आता है जो आप जो मेजरिंग एरर आता है आपने को प्रकार एरर कही था मन कि पे चार्टा एरर अच्छी चार्टा एरर निश्चित भाव गोटे क्वेश्चन पचार डिवाइस एरर ह्यूमन एरर इन्फ्लुएंस एरर आउ स्विचिंग एरर तेनालीरु मैग्नेटिक फील्ड जो जो इफेक्ट जो आप जो एरर आसी है कौन कहलु इन्फ्लुएंस एरर डिवाइस एरर पढ़ी आसलू जो डिवाइस दूँ ह्यूमन जब आप कैलकुलेशन देखिए आप इन इलिटरेसी अच्छी आप ह्यूमन एरर कहे स्विचिंग एरर आगे अच्छे पढ़ा देखा ये आप क्वेश्चन आउट आसला व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज विथ एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग बहु प्रकार जो कौ टाइप इंस्ट्रूमेंट आम व्यवहार करयार फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग आम कौ प्रकार इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करता सेटी आम व्यवहार करता मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दैट मीन योर आंसर इज बी बी हे जो उत्तर पे आप क्वेश्चन जीवा पर क्वेश्चन देला व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विथ न्यूट्रल कनेक्शन आप कही रखा पे कौ टाइप एनर्जी मीटर आम न्यूट्रल कनेक्शन वर्क करता है सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एनर्जी मीटर जो न्यूट्रल कनेक्शन ने ही काम करता है जीवा पर क्वेश्चन देखा व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट आप जो कही रखा जे इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी रो एकक कौन आपर यूनिट कौन जिते इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिविटी को आप मापुच्च तार एकक ओम पर वोल्ट ओम पर वोल्ट आपर बी उत्तर हो पाने परवर्ती परवर्ती क्वेश्चन देला पे व्हाई टू स्ट्रेट होल्स आर प्रोवाइडेड इन एल्युमिनियम डिस्क इन एनर्जी मीटर सिंपल कथा से क्वेश्चन घोर कर डायमेट्रिकली आम जो एनर्जी मीटर डिस्क अपोजिट दीटा होल करता है कौन आप एरेस्ट करा चाहते कंट्रोल करा चाहते क्या क्रिपिंग एरर को क्रिपिंग एरर को डी हो उत्तर टू एरेस्ट द क्रिपिंग एरर पे क्वेश्चन देखा व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट आपको कहला डैम्पिंग फोर्स मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहीं दरकार कहीं दरकार होता है कहीं जो ऑसिलेशन होता है निडिल विदाउट ऑसिलेशन आपर निडिल को एरेस्ट कर विदाउट ऑसिलेशन दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इन ए डैम्पिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया पर क्वेश्चन देखिए पर क्वेश्चन कौन अच्छी पे पर क्वेश्चन देला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्ट आयरन कोर का फंक्शन कौन हो ये आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप आप जो एयर गैप मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कर दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इन सॉफ्ट आयरन कोर बुझे आप उत्तर डी हो पे क्वेश्चन देखा
which parameter is the causes for loading effect on measuring instrument. आपने कहिला को प्रकार parameter टामे जितने measuring instrument रो loading effect जो कारण ही था सेटा पे आपने को प्रकार parameter व्यवहार करता है सेटा को हमें को parameter नहीं था वो आप हमें low sensitivity C zero answer. समझिबा प्रथम क्वेश्चन दिला पहला मैंने how to identify the moving iron type instrument. आपने moving iron type instrument को केमिति का अपन आइडेंटिफाई करबे काहेकि सेतरे कोन से प्रकार टर्मिनल मार्किंग होता है बुझिबले पिला माने नो टर्मिनल मार्किंग दैट मींस योर आंसर इज ए जो उत्तर पिला माने समझिबा परवर्ती क्वेश्चन दिला व्हिच इज एन एब्सोल्युट इंस्ट्रूमेंट आपन मन को मन को कोउटा उठे एब्सोल्युट इंस्ट्रूमेंट से कथा से पछला जे कोउटा आपन को एब्सोल्युट इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी थिला आउ ता से तो एब्सोल्युट इंस्ट्रूमेंट भी हिसिता जे कोन हिजो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर डी जीरो आंसर ताको भल के मन के पिला माने क्वेश्चन मर जिबा परवर्ती क्वेश्चन दिला which force produce movement of pointer in an indicating instrument तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपन व्यवहार करचंती तते आपन को पॉइंटर रो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है सेरा को फोर्स जो प्रोड्यूस होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स प्रथम क्वेश्चन में पता रिकॉर्ड के आसी गेले तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज योर आंसर समझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन असला पिला माने व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आपन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट रो फंक्शन कोन हो जीवो सी आपन करो जो क्वांटिटी को रजिस्टर द क्वांटिटी सी जीरो आंसर जो सी जो उत्तर आपन को पिला माने नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन आसला व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट रे कौन टाइप रो आपन मान करो क्वांटिटी को मेजर करै थाए कौन टाइप रो इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट रे हमें पावर को मेजर करथौ पावर मेजर करथौ पिला माने क्वेश्चन जीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरमेंट डज एवरी सर्किट यूजेस आपन कहले पिला जे कौन प्रकार जोटा कि मेजरमेंट रे हमें ब्रिज सर्किट रो व्यवहार करथौ ब्रिज सर्किट रो हमें एतले कंपैरिजन करथौ कंपैरिजन जितले करथौ मेजरमेंट को सेतके बेले आपन मानकर ब्रिज सर्किट रो व्यवहार करै छै ठीक छै बोलन ई मेथड आपन कोन कहै छै ना जोटा के अननोन कंपोनेंट रो वैल्यू रहै छै स्टैंडर्ड वैल्यू रहै छै ता से त हमें गिवन कंपोनेंट रो वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू को आपन कंपेयर करै छै से जे करा हमें कोन करथौ ना ब्रिज सर्किट रो व्यवहार करथौ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जाय परवर्ती क्वेश्चन देखियौ परवर्ती क्वेश्चन आसिला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर मेजरिंग लो रेजिस्टेंस आपन को सबटु मोस्ट पॉपुलर मेथड जोडा कि लो रेजिस्टेंस मेजर करिया पई सेने को हमें को प्रकार जो कि मेथड को व्यवहार करथौ सेटा आपन के होइ जइबो कोन आंसर केल्विन डबल ब्रिज मेथड हमें जोडा कि लो रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम बा ताठु कम ओम रो रेजिस्टेंस को मेजर करिया पई आमे यूज करथाउ एथिरे आपनकर एमीटर वोल्टमीटर मेथड जोटा के यूज हिताई कहा को कोन पई आपनकर करंट फ्लोइंग थ्रो एंड द वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट आपन जोटा की करंट होची गोटे सर्किट रे फ्लो करूची ता सते वोल्टेज फ्लो करूची ताले ताकू मेजर करया पई आमे एमीटर वोल्टमीटर मेथड यूज करथाउ किंतु केल्विन डबल ब्रिज मेथड आपनकर व्यवहार हिताई रेजिस्टेंस जोटा की 1 ओम बा ताठो कम आपनकर थाए मने रखते दीटा क्वेश्चन आपनकर एटा आसीला परत क्वेश्चन जो परत क्वेश्चन देखियो हाउ इज द वोल्टेज रेशियो डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी आपन कहले कि जे वोल्टेज रेशियोटा आपनकर फ्रीक्वेंसी ऊपर केमिति का डिपेंडेंट रहबो ये आपनकर कोन हो ये दुई जन को कोन करना अपोज करबे दे अपोज इच अदर आपनकर अपोज करथिबे काहे कि ना ए द वोल्टेज रेशियो चेंज फ्रीक्वेंसी ओर चेंज जेहेतु आपनकर वोल्टेज रेशियो चेंज हो ताले फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो तेन आपनकर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जइबो बुझि वाले पिला माने तो ये डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द कोर लॉस कंपोनेंट एज वेल एज द लीकेज रिएक्टेंस आपनकर एटा डिपेंड कहा पर करिवो ए रिलेटिव वैल्यू कहा लॉस को कोर लॉस ए कंपोनेंट ता सहित लीकेज रिएक्टेंस ऊपर आपनकर डिपेंडेंट रहिबो आगो को बढी जवा या सहित यार आंसर डी हे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो परवर्ती क्वेश्चन देखिवा परवर्ती क्वेश्चन आपनको आसीला जे बढिया क्वेश्चन आसीला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू मेजर पावर इन एसी सर्किट रा पावर को मेजर कर जाउची अरे को प्रकार डिवाइस आपन यूज करबे को प्रकार डिवाइस यूज करबे पिला माने आपन मान करो एठी आपन करो सी जो उत्तर हमें वोल्टमीटर व्यवहार करबो एसी सर्किट रे पावर जदी आपन मान करो अति फ्लो होची करंट फ्लो होची ताहले पा होची आपन ताको मेजर करिया पई ताको एसी सर्किट रे आपन मान को वोल्टमीटर व्यवहार करिबो वोल्टमीटर करियो व्यवहार पिला माने एसी पावर ठीक छै बोलने ए वाट मीटर यूज टू मेजर एसी पावर ओके आई थिंक दिस इज द रॉन्ग आंसर एथरी आपन को वाट मीटर हबो आपन को पावर वोल्टमीटर वोल्टेज आपनको पावर मेजर कर दिया कहिछि वाट हबो पिला माने वाट मीटर तेनो आपनको उत्तर कोन हे जइबो बी हे जो उत्तर बी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जाय परवर्ती क्वेश्चन देखियो व्हेन द मूविंग कॉइल इन ए डायनामीटर टाइप वाट मीटर डिफ्लेक्स डैश आपन कहला जे मूविंग कॉइल जोटा कि टाइप रो डायनामीटर होइछि सेतरा आपन वाट मीटर टा डिफ्लेक्स करथाय कोन डिफ्लेक्स करथाय पॉइंटर रो मूव्स
पॉइंटर मूव जोटा कि मूवमेंट टाक आप डिप्लाय करता है तो पॉइंटर मूव हो उत्तर डी हो बुझे परवर्त क्वेश्चन परवर्त क्वेश्चन देखा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस ऑन व्हाट मीटर रीडिंग व्हाट मीटर रीडिंग रे जोटा कि कैपेसिटेंस रो इफेक्ट कौन हो कैपेसिटेंस रो इफेक्ट रही ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्टेंस ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंडक्टेंस उत्तर डी हो परवर्त क्वेश्चन पुणी देला विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन्स द रेट ऑफ मेजरमेंट साइकल्स मेजरमेंट साइकिल रेट को आपमती डिटरमाइन करेंगे ऑसिलोस्कोप ऑसिलोस्कोप द्वारा आप जोटा कि मेजरमेंट साइकिल रेट को डिटरमाइन कर सी जो उत्तर तापर देला देखिए लो वोल्टेज सिग्नल्स कैन बी मेजर्ड बाय आप लो वोल्टेज सिग्नल को मेजर करने एम्प्लीफायर यूज करता हूँ एम्प्लीफायर दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन आसूस पे मैंने ठीक अच्छे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए परवर्त क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी हाई रेंज कैन बी ऑब्टेन्ड इन बेसिक डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर तो आपको हाई रेंज बेसिक डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स वोल्टमीटर आपको ऑब्टेन होता है कहा द्वारा एन एटुनेटर एटुनेटर द्वारा आपको ऑब्टेन होता है आपको उत्तर बी हो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओएचपीसी रो क्वेश्चन 2022 रो क्वेश्चन आसीतला आपण जोटा कि वाट मीटर टू वाट मीटर मेथड क्वेश्चन जे से टू वाट मीटर अनुसार कौनटा होचे आपनकर जोटा कि स्टेटमेंटटा रिगार्डिंग ट्रू होचे पावर मेजरमेंट अनुसार आपनकर को स्टेटमेंटटा ठीक रहिचे सेटा आपनकर उत्तर ए हेइतबो जोटा कि एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.5 द रीडिंग ऑफ 1 मीटर 1 वाट मीटर इज 0 व्हाइल द अदर रीड्स द टोटल पावर दैट इज योर आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिबा Which of the following statement is not true about dynamometer type instrument? Dynamometer type instrument is answer. Which statement is wrong? Bhool hoti se hoga pata chala. Kaun ta theek nahi hai. It is a high torque weight ratio such as high sensitivity. That is your answer. D hoga. Next question apan ko aur question pochatila. Je in a power in a three phase three wire system having unbalanced load can be measured using the आपण को प्रकार मेथड आपको यूज करके आपको पावर मेजर करेंगे थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम रे टू वाट मीटर मेथड आपको उत्तर ए हो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आहरी गोटे क्वेश्चन अच्छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को आप चेक करते आपको स्टेटमेंटा ठीक रहा से अनुसार आपंकर ए स्टेटमेंटा ठीक रहो जोटा कि एन एक्सटर्नल ग्राउलर is used for testing small DC armature and internal growler for DC testing large DC armature that is your right statement for testing of a electrical equipment so ye thila apan mana karo electrical abu electronics instrument ro jota maximum portion important portion jaha bhi portion apan ko asibara chances hoyti ta sab ostra alochana kali asha karte samasto session bhale thiyo thank you for watching uni dekha bhai bhale video se to video ko practice karantu video ko follow up karantu thank you ebong bye bye